बिजनौर में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मरे बिजेंद्र सिंह के परिवार के विरोध के बाद आखिरकार पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने दरोगा और अन्य दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो गया है। पुलिसकर्मियों के लाइन हाजिर होने और हत्या का मुकदमा लिखे जाने के बाद ही बिजेंद्र के परिजनों ने बिजेंद्र का पोस्टमार्टम होने दिया। पोस्टमार्टम में बिजेंद्र की मौत का कारण हार्ट अटैक आया है। कल दिन भर पोस्टमार्टम हाउस पर बिजेंद्र के गांव वालों और परिवार का हंगामा मचा रहा। अधिकारियों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और मुआवजा दिए जाने की घोषणा के बाद ही परिवार वाले पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। कोतवाली देहात थाने में आरोपी दरोगा नीरज कुमार, सिपाही हेमेंद्र यादव और होमगार्ड देवेंद्र कुमार व हरपाल दत्त शर्मा के विरुद्ध धारा 302, 323 और 504 तथा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना कोतवाली देहात में जो कल बिजेंद्र की मृत्यु हुई है उसके संबंध में घर वालों ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें एक जांच भी बैठा दी गई है और पुलिस कर्मियों को वहां से लाइन ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच में जो भी निकल कर आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा, उसके आधार पर ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को भी हटाया गया है क्या? कुछ सिपाही हटाए गए हैं, कौन लोग हैं जरा? चेकिंग में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन लोगों को लाइन ट्रांसफर किया गया है। SO अभी वहीं पे मौजूद है।